हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में जो आपका चाइल्डहुड पोएम है रिटन बाय मार्कस नैटन, इसका मैं सेकंड पार्ट बतलाने जा रही हूँ, मींस द थर्ड पैराग्राफ एंड द फोर्थ पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में जो पोएट है वो कहते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया, क्या उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि मेरा बचपन गया जब, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विच एवर वे आई चूज। जिस वक्त मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो माइंड है, मेरा जो मन है, वो एक्चुअली में मेरा है और मैं जैसे चाहूं मैं इसको यूज कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माय ओन एंड माइन अलोन, वाज दैट द डे, क्या उस दिन मुझे समझ आया कि मैं बड़ा हो गया हूँ, जिस दिन मुझे ये लगा कि मैं, मेरा दिमाग मेरा है और मैं खुद के थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मतलब मैं खुद का सोच सकता हूँ। ऐसे थॉट्स जो कि दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो कि दूसरे के सोच नहीं, जो पर्सनली मेरे सोच है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स जो कुछ भी सिखाते हैं हमें बस उतना ही आता है। अगर उन्होंने कह दिया, मान लीजिए किसी के पेरेंट ने कह दिया कि नहीं दूसरों के साथ नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ अपने कजिन्स के साथ खेलना चाहिए, तो बस हमारे लिए वही सही हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया कि ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए अच्छा है तो ठीक है, हम मान लेंगे कि वो अच्छा है। तो जैसा जिसने कहा हम बस उसी को सच मान के बैठ जाते हैं बचपन में, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि नहीं, हम खुद का डिसीजन कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे तब ओपिनियंस हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स से डिफर करते हैं। अगर वो हमें कुछ गलत सिखा रहे होते तो हमें लगता है कि नहीं वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो एक थिंकिंग डिफरेंस आ सकता है। तो वही पॉइंट कह रहे हैं कि उस दिन मैं बड़ा हुआ जिस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे खुद के भी सोचने समझने की शक्ति है, मेरा एक खुद का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने इंडिविजुअलिटी पे प्रेशराइज किया है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारा एक इंडिविजुअल सेल्फ डेवलप करता है कि हम एक अलग इंडिविजुअल है, हमारे सोचने समझने का एक अलग तरीका हो सकता है, दैट नीड नॉट टू बी बोरोड फ्रॉम अदर्स, एक ऐसा तरीका सोचने का, एक ऐसे थॉट्स जो कि हम दूसरों से बोरो नहीं करते, जो हमारा खुद का हो। So this paragraph denotes individuality when there is a conversion from childhood to adolescence or to adulthood. Now यहाँ पे question थोड़ा अभी तक हो रहा था, कब वो बचपन आ गया। अब यहाँ पर where did my childhood go, poet बोल रहे कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। फिर उन्होंने खुद ही answer भी किया है, it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know. मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो कहीं किसी ऐसी जगह जाके छुप गया है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, जहां मैं भूल गया हूँ, ऐसी जगह चला गया वो बचपना कि वो वापस नहीं आ सकता। मींस क्या कि मान लीजिए एक बच्चा जो होता है वो कम्प्लीटली इनोसेंट होता है, उसको सही गलत कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो इनोसेंस चला जाता है। बच्चा जो है वो किसी को भी देखता है तो वो उसके साथ फ्रेंडली ही बिहेव करेगा, अच्छे से बात करेगा, लेकिन जब हम बड़े होते हैं हमारे अंदर प्रेजुडिसेस डेवलप करते हैं तो हम उसको एक नॉटेड माइंड से, प्रेजुडिस्ड माइंड से देखते हैं, तो हमारा जो एक इनोसेंट माइंड था वो शायद वापस कभी ना आए। तो वही पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो बचपन था वो कहीं ऐसी जगह चला गया है जो जगह भुला गई है, मतलब वो बचपना खो गया है, वो वापस नहीं आएगा। हाँ वो एक जगह हमारा कुछ बचपना छुपा है, वो है एक बच्चे के चेहरे में, मुझे सिर्फ इतना पता है, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस, हम सभी को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, बच्चों से खेल करके हमें बहुत अच्छी फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं और जब हम उनको देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं तो हमें हमारा बचपन याद आता है, और उनके साथ खेलते खेलते कहीं ना कहीं हम खुद भी बच्चे बन जाते हैं उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही सही। तो इसलिए वो कह रहे कि हमारा बचपन कहाँ खो गया है, तो शायद वो किसी बच्चे के चेहरे में छुपा है, उसके फॉर्म में हमारा बचपन, हम जब उसके सामने होते, वो जब हमारे सामने होते तो हम अपने बचपन को उसके चेहरे पे देखते हैं। नाउ हियर आर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा पैराग्राफ रैशनलिज्म को डिनोट करता है, कौन इंडिविजुअलिटी को और कौन हिपोक्रेसी को। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। पोएम के हिसाब से जब हम बड़े होते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। तो पहला कि हम ये रियलाइज करते हैं कि
Everything we hear is not true. Those things are only true that can have reason, that can be reasoned or that can be proved. तब हम ये समझते कि नहीं, ये अंधविश्वास, ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ वही चीजें सच होती हैं जो कि हम किताबों में पढ़ सकते हैं, जिसका कि प्रूफ साइंस दे सकता है. प्लस सेकंड चीज क्या हम रियलाइज करते हैं कि ये दुनिया जैसी दिखती है, लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है. उनके पीछे लेयर बाय लेयर बहुत सारे उनके फेसेस होते हैं, उनकी ड्यूअल आइडेंटिटीज होती हैं, वो जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें काफी डिफरेंस होता है. थर्ड चीज जो हम रियलाइज करते हैं व्हाइल वी ग्रो अप, व्हेन वी ग्रो अप, इज दैट वी हैव एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हमारे खुद के सोचने समझने की एक कैपेसिटी है, एक आइडेंटिटी है जो कि दूसरों से अलग है. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंस व्हाइल वी ग्रो अप और व्हाइल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. और साइमल्टेनियसली हमारा चाइल्डहुड जाता है, इन अ सेंस जो है, जो एक डिपेंडेंसी है. कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स होते हैं तो कुछ बुरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं. बच्चे का जो इनोसेंस है, एक सब पे ट्रस्ट करने का नेचर है, वो जाना थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि वो एक जो खुशी लाता है, एक केयरलेसनेस लाता है, एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस लाता है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है. लेकिन हाँ, एडोलेसेंस के कुछ अपने भी फायदे हैं. व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? चाइल्डहुड के प्रति पोएट की क्या फीलिंग है? तो चाइल्डहुड के प्रति पोएट की ये फीलिंग है कि जो बचपन, जो चाइल्डहुड का फेज होता है, वो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा फेज होता है हमारे लाइफ का, क्योंकि तब हम केयरलेस होते हैं. केयरलेस इन द सेंस क्या, कि हमें कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशंस नहीं होते, क्योंकि हमारे सारे केयर कोई दूसरा आदमी, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स लेते होते हैं. प्लस एक अनकंडीशनल लव होता है सबके लिए, अनकंडीशनल हैप्पीनेस होता है, एक जिसको हम कहें इनोसेंस होता है. तो ये सारी फीलिंग है पोएट की चाइल्डहुड के प्रति, चाइल्डहुड का जो फेज है, दैट इज अ गोल्डन फेज ऑफ अवर लाइफ. नाउ थर्ड क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स, व्हाई? सो ये तो डिपेंड करेगा आप किसको, आप कौन से लाइन्स को सोचते हैं कि सबसे पोएटिक है. मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज द मोस्ट पोएटिक लाइन. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. जो बचपना है वो कहीं खो गया है, कोई भुलाए हुए जगह पे चला गया है, जो कि एक बच्चे के चेहरे में भी छिपा है. सो दीज आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स की एक एक बच्चा जो हम हमेशा चाहते हैं कि वो फेज हमारे लाइफ में हमेशा जुड़ा रहे, लेकिन जैसे सब सारा चीज, सारी चीजें हमारे लाइफ से चली जाती हैं कभी ना कभी, वैसे ही बचपना भी चला जाता है. तो हम उस बचपने को कहाँ खोजते हैं, वो हम हमको लगता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है, तो किसी बच्चे के रूप में छुपा हुआ, किसी बच्चे के चेहरे में हमारा बचपन भी कैद हो गया. और जैसे तो ये मीनिंग है पॉइंट का. प्लस जो हम एडल्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि एडल्टहुड एक कम्प्लीटली खराब चीज है. जब हम एडल्ट होते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, जैसे हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, हम फ्री होते हैं, प्लस हमें लिबर्टी होती है बहुत सारी चीजों को करने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, एक समझदारी आती है. सो दीज आर द थिंग्स. होप आपको ये चैप्टर, ये पोएम समझ आया हो. स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. See you in the next video. Till then, keep smiling. Have wonderful days. And अगर आपको कोई और chapter का video चाहिए तो please नीचे comment box में लिख करके मुझे बतलाइए. Thank you.